वॉचिंग सीटीएन टेलीविजन ऑफ पाकिस्तान कैच हम खुदाम के कलाम में से जबूर बानवे नाइन्टी टू पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे जबूर शाम 92 टू पहली में लिखा है क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदासराई करना आए हक ताला सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफ़ादारी का दस्तार वाले साज और बरबत पर और सतार पर गूंजती आवाज के साथ क्योंकि आए खुदावंतू तूने मुझे अपने काम से खुश किया है अमीन सो एज़ यू नो कि हम खुदांद की इबादत करते हैं वर्शिप करते हैं सो so, दाऊद जो है वो इस ज़बूर में बता रहा है कि खुदांद का शुक्र करना जो है ये बहुत बड़ी जो है भलाई है इंसान के लिए आ, कई मरतबा हम बहुत सारे वो काम करना चाहते हैं जिससे हमें बेनिफिट्स होते हैं फ़ायदे होते हैं भलाई होती है और मे भी हम शुक्रगुजारी जो है वो ये समझते हैं कि जिसके हम कर रहे हैं उसको प्रेज़ मिलती है सिर्फ उसे ही तारीफ मिलती है लेकिन जब भी बाइबल की हिस्ट्री में देखा जाए जब भी खुदा का शुक्र अदा किया गया है उसके बदले में इंसान की भलाई हुई है इंसान के साथ भला हुआ है शुक्र गुजारी जब वो खुदा की करता है क्यों क्योंकि खुदा की जब हम शुक्र गुजारी करते हैं तो ये खुदा ही की खुशनुदी है ये खुदावन को प्लीज करती है शादमान करती है खुदामन को खुश करती है खुश वर्ड में इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करता रूहानी जिंदगी में क्योंकि जो खुशी है वो जिसम के साथ ताल्लुक रखती है और जिसम जो है वो एक जैसा नहीं रहता सुबह को तवाना होता है और रात को टायर्ड हो जाता है थक जाता है और जो खुशी या इतमान सुबह के वक्त जिसम में होती है वो रात के वक्त नहीं होती है इस डिफरेंट सो खुशी जो है वो जिसम के साथ लिंक रखती है जिसम ठीक है तो हम भी खुश रहते हैं लेकिन जब जिसम में बीमारी आती है तकलीफ आती है तंगी आती है तो हमारी जो खुशी है वो ढल जाती है मध्दम हो जाती है लेकिन जो शाद मानी का ताल्लुक है वो हमारी रू के साथ है स्पिरिट के साथ है वो मुसलसल खुदावन के साथ खुश रहती है सो जो शुक्र गुजारी क्योंकि खुदा रूह है ना और बाइबल में यह आयत भी है खुदा रू है जरूर है कि उसके परस्ता रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें सो रू जो है उसके साथ ताल्लुक जो है वह जॉय का है ये फल भी है स का जॉय ये स्पिरिट के अंदर होती है ये रूह के अंदर खुदा हमें देता है आप देखें अक्सर उकाद लोगों के हालात बहुत बुरे होते हैं लेकिन वो चूंके रूहानी होते हैं तो उनकी जिंदगी उनके चेहरों पर आप अजीब सा एक सुकून और पीस देखते हैं वो उनकी रूह की वजह से उन्होंने अपनी रूह को ट्रेंड कर दिया है खुदा ने सो शुक्र खुदा जो रूह है उसे हमारी तरफ़ से शादमानी देती है वो ऑलरेडी शादमान है वो हमारे आ, लाइक गिविंग का हमारे देने का मोहताज नहीं है ज़बूर में लिखा ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा ना तेरे बाड़े से कोई बकरा क्योंकि खून और गोश्त खुदा में ना खाता है ना पीता है ये उससे कंसर्न नहीं करता है लेकिन जब हम खुदा के दिए हुए पर इतमान का इजहार करते हैं मुतमइन होते हैं कई लोगों की लाइफ कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का सुकून नहीं होता है क्यों क्योंकि हम अपनी लाइफ को या चीज़ों को दूसरों की बेहतर चीज़ों से टैली करते रहते हैं मुजन करते रहते हैं इसलिए भी कुछ लोगों की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब रहती है डिस्टर्ब लाइफ खुदाम को शाद नहीं देती है उसको प्लीज नहीं करती है हर शख्स चाहता है जहाँ पर भी वो जॉब करता हो उसका जो मालिक है जो उसको सैलरी देता है या उसका जो बॉस है वो उसकी वजह से खुश रहे वो उसकी खुशी का उसकी मुस्कराहट का बाईस बने वो उसको इम्प्रेस्ड करें राइट इसी तरह वालदेन के लिए भी बच्चे ये कोशिश करते हैं कि वो अपने वालदेन को इम्प्रेस्ड करें मे बी एजुकेशन से या अच्छे बिहेवियर से ताकि उनकी शादमानी जो है उनको बरकत दे सके आपने देखा एसाऊ और यकूब को वो कैसे अपने वालदान को शमान करते थे वो भी एक तरीका था वो खाना बनाते थे और उनकी माँ ने ये उसको यकूब को बताया ये तरीका है और उसने अपने वालद के लिए बिल्कुल जो उसका पसंदीदा खाना था वो उसके सामने रखा और जब उसका दिल खुश हुआ शाद मान हुआ तो उस शाद मानी में से क्या निकली थी बरकत निकली थी बरकत निकली थी सो जब हम चर्च में आते हैं तो हम खुदा का मूड ऑफ करने नहीं आते कि पागलों जैसी हरकतें करें या ताली ना बजाएं या खुदा को गुस्सा करके दिखाएं, या बुढ़ इंसान की बड़बड़ाहट जो है वो खुदावन के कहर को बढ़ा देती है खुदा ने इसराइल को मिस्र से निकाला वो मिस्र के अंदर डबल पोशन में ग़ुलामी कर रहे थे दुख में थे तकलीफ में थे मुश्किल में थे बहुत सारी आजमाइशों में से थे खुदा ने उनको निकाला कि वो कनान में जाएं, लेकिन अभी वो सफर में ही थे लेकिन वो खुदावन को शादमा नहीं करते थे जो कुछ उसने दिया था उसकी कंप्लेंस करते थे और खुदावन को ये बिहेवियर ये मूड ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था और अब तक भी पसंद नहीं है खुदावन जब भी देता है वो गुस्से में नहीं देता कभी आप खुदावन को नहीं देखेंगे कि वो आपको एंगर में दे रहा है नो नॉट नॉट एट ऑल वो ही चीज एंड रिमेंबर इसकी भी दो कंडीशन है वही चीज हमारे लिए बरकत और तरक्की का बाइस बनती है जो हमें शादमानी में दी जाती है कई लोग ज़बरदस्ती भी लेते हैं एक वालद और बेटे का वाक्य बाइबल में लिखा हुआ है मुशरफ़ बेटे का उसने ज़बरदस्ती ले लिया तो क्या बाप ने उसको अच्छे मूड से दिया था वो थी तो बरकत थी तो विरासत थी तो नेमत लेकिन उसने ली कैसे थी डाउन मूड करके उसका वालद शाद नहीं था लेकिन उसने उसको दे दिया क्योंकि वो फोर्स कर रहा था उसकी खुशी के लिए लेकिन फिर वो बरकत क्या उसकी शादमानी का बाइस बनी नहीं उसके दुख उसकी गुर्बत उसके टूटने उसके गिरने उसके गरीब होने उसके ख़वार होने का बाइस बन गए यू अंडरस्टैंड इट तो हम खुदावन से जब कोई चीज लेने आते हैं तो वी कैन नॉट मेक आवर मूड वेरी सिक इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और अब लीज को ये बात का पता है। ये आठ है आठ है देखिए बादशाहों के दिल खुदा के हाथ में है आस्तर को देखें, आस्तर का जितने यहूदी कुंबा था खानदान था उनके लिए बादशाह ने हुक्म दे दिया था एक स्वीरस बादशाह ने कि उनको कत्ल करवा दिया जाए अब आस्तर जो थी वो यहूदी थी अब वो चाहती थी कि उसकी वजह से सारी यहूदी कौम जो है वो बच जाए और बादशाह उन्हें माफ़ कर दे लेकिन वो कैसे ये बात करती अगर बादशाह बहुत गु़स्से में होता तो वो बात करती या वो बादशाह को आते सार अपना मूड गुस्से वाला दिखाती या कंप्लेन करती फिर बादशाह उसकी सुनता नहीं बल्कि उसने भी क्या किया अच्छा खाना बनाया इंसान खाने से खुश होता है लेकिन मैं खुदा के ऐसी बात नहीं कर रहा लेकिन मैं एक आपको तफसीर दिखा रहा हूँ कि देखें उसने इस तरीके को अपनाया और उस मूड के अंदर उसने दरख्वास्त की और उसके लिए उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि ठीक है तेरी कॉम क्या कर दी जाएगी बख्श दी जाएगी माफ़ कर दी जाएगी सो दिस इज़ वेरी वेरी मैटर टू आस हमारी रूहानी ज़िंदगी के साथ हमारा जो मूड है ये मैटर करता है ये मैटर करता है और अब लीज जो है वो ख़ास बंदी करता है कि इंसान के, के फ्यूज़ उड़े ही नहीं आप देखें रूहानी लोग प्रेयर नहीं कर सकेंगे कई मतलब लोग बड़ा फोर्स करते पास्टर जी प्रे कर दें प्रे कर दें तो सारी प्रेयर्स नहीं सुनी जाती हो सकता है उस वक्त पास्टर जो है वो दुआयाँ मूड में ना हो हर वक्त पास्टर साहब दुआ में तो नहीं रहते पास्टर साहब के इर्द गिर्द भी बदरुवें होती हैं जो मूड ख़राब करती हैं जो कोशिश करती हैं कि पास्टर जो है वो अपने डाउन बिहेवियर में आए और वो दुआ के उस लेवल में ना जाए जिसमें जवाब आते हैं इट तो क्यों पहले आके हम चर्च में वर्शिप करते हैं वर्शिप और साज जो यहाँ पे बताए गए हैं वो हमारे खून और पानी में जुम्बश को पैदा करते हैं लहर को वेव्स को जब ये जुम्बश पैदा होती है तो हम अपने उस टेम्पो पे आते हैं जहाँ पे हमें शाद मिलती है हम अपने गम भूलते हैं हम अपने दुख भूलते हैं और हम उम्मीद लगाना शुरू करते हैं कि जिसने बैरे कुलज़म खोले हैं जिसने कड़वे पानी को मीठा बनाया जिसने अंदो को है जिसने अंधों को आंखें दी हैं जो जोर आवर है वो शिफा देता है और आपका मूड ठीक होता जाता है और आप जब उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो इस शाद के बदले में वो आपको बरकत देता है यू अंडरस्टैंड इसलिए उसने कहा कि जो शुक्रगुजारी है वो क्या है क्या ही भला है का क्या करना so, दाऊद जो है, उसने जितने भी जबूर लिखे हैं उसके है। एक्सपीरियंसिस तजर्बे हैं है। दाऊद कहता है क्या ही भला है खुदामन का क्या करना शुक्र करना दाऊद जो है वो कह रहा है ये भला है क्या करना जी शुक्र गुजारी करना क्या करना जी ये क्या है भला काम है अभी खुदावन ने नहीं भी दिया था सारा फिर भी मुस्कुराती थी और उससे कह दिया तो उसने नाम बदल दिया सारी से सा उसका नाम क्या रख दिया था सारा बहुत सारों की माँ एक की माँ नहीं बहुत सारों की माँ और इब्राहिम उसका नाम रख दिया यू नो वाई क्यों क्योंकि उनको जो उसने देना था उनको पहले से उसने दे दिया आमीन पहले से यकीन कर लो तो वो तुमको जो कुछ दुआ में मांगो उसका क्या कर लो तो यकीन हमें इस पॉइंट पर लाता है कि हम शुक्रगुजारी करें आमीन आप मेरी बात समझ रहे हैं तो शुक्रगुजारी हमारी भलाई के लिए आमीन क्या ही भला है खुदावंद का क्या करना शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना आए हक ताला आमीन अपने आपने लिए ज़रा जोरदार बजाएं। डू यू नो व्हाई मैंने क्यों कहा आप अपने लिए तालियां बजाएं? ज़िंदगी में ग्यारहवा साल है मैं कल सिस्टर शहर को भी ये बात कह रहा था मैं ना कम खिदमत नहीं कर सकता मैंने हर महीने बाद मुझे मैं खुद कहता कह मुझे बढ़ा कद नहीं बढ़ा कद मेरा उधर ही है <laughs> खिदमत को बढ़ा मैं नहीं ऐसे चैन ले सकता बिलीव करें अगर चर्च नहीं बढ़ेगा लोग नहीं बढ़ेंगे नहीं बचेंगे इसके अलावा मैं कोई काम भी नहीं कर सकता मैं बेकार हूँ खिदमत ही ने मुझे कारगर बनाया तो मैं खुदा को कहता हूँ मैं जी नहीं सकता मैं ये करूँ मैं वो करूँ कुछ भी करूँ मुझे किसी भी तौर से खिदमत करनी है चाहे मैं किसी का नौकर या चपड़ासी बन के करूँ मुझे खिदमत करनी है इसकी चाहे कीमत मेरा बदनी हो मैंने ख़िदमत ही करनी है क्योंकि अभी मैं अपने माँ के बातन में बेतरतीब मादा की सूरत में था जब से वो दुआ कर रही थी कि ये खिदमत ही करेगा वो मेरी नस नस में और खून के एक एक खुलिए में बैठी हुई है और मैं चैन नहीं ले सकता एक दिन अगर मैं विजिट ना करूं दुआ ना करूं या किसी को बचाऊं ना मेरा दिन ऐसे गुजरता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा ये दिन चला कैसे गया और ये क्यों गया है? मैं नहीं वेस्ट कर सकता अपना दिन तो आई वॉज कि खुदामन का शुक्र है ग्यारहवा साल ये ग्यारह साल पूरे हो गए बारहवा साल हमें अब स्टार्ट हो गया बारवा साल स्टार्ट हो गया बिलीव करें बारह का दद वैसे भी पूरा करने का फजल का अदद होता है आप यकीन करें इस साल 24 को भी इतने लोग आए नीचे रिसेप्शन भी भर गया बाहर भी खड़े भी हुए थे ये भी इवन घर में हमारे संडे स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए थे और कुछ लोग वापस भी चले गए सुबह भी चर्च भरा फिर मंगल को भी लोग आए हफ्ते को भी इतवार को भी और आज भी मैं शुक्र करता हूँ कि हम कामयाबी की तरफ जाए हाँ अब बारहवें साल में मुझे पता चला है कि जिन लोगों को मैं कलाम सुना रहा हूँ उन्होंने सिर्फ क्रिसमस नहीं मनाया बल्कि यस्ू को पकड़ लिया जो हफ्ते को भी आता है एतवार को भी मंगल को भी सोमवार को आमेर सो so, इस जबूर में दाऊद कह रहा है कि खुदावन की मदद सराई करना उसके नाम की हक ताला की ये भी भलाई का काम है जैसे शुक्रगुजारी है इसी तरह खुदावंद की मदसराई करना भी भलाई का। और मैं अब आप आपको ईमान से एक बात करूँ जो खुदाने में मैं जब खुदावंद मुझसे बोलता मैं तब भी शातमान होता हूँ मेरे अंदर जो है ऐसा होता है जैसे पानी आते हैं कि भरा हो और दरमियान में उसके फिंगर करो तो लहरें आती हैं ना पानी के साइडों पर मेरे दिल के अंदर जब खुदा कलाम की उंगली डालता है तो पूरे जिसम में लहर आती है खुशी की तो मैं शादमानी से ये कह रहा हूँ खुदावन मुझे कह रहे हैं जितने लोग क्रिसमस के अलावा भी आके खुदावन की मदद सराई कर रहे हैं खुदा उनको 2021 में शादमानी की बरकत देगा उनके गम फमों दो हज़ार में अगर आप गमगीन रहे हैं तो आपके गम जो हैं वो खत्म होने वाले हैं 2021 में ये मुझे खुदावन ने खुद अपने कलाम में बताया मेन सो so, की फिताएँ हम उसके लिए जोरदार थालियाँ बजा। सो so, एक गीत भी है ना शाम सुबह दोपहरा मैं फरियादा गुजर जबूर पचपन शाम सुबह दोपहरा मैं एवरी टाइम पहर है ना चार पहर भी हैं तीन पहर भी हैं तो वो कह रहे हैं, हम तीनों पहर अगर तीन पैर गिने जाते हैं हर पहर के आगाज में हम क्या करेंगे शुक्रगुजारी करेंगे आमीन और यहां पर कहता है कि सुबह को कैसी इबादत करेंगे उसने टाइटल बताया दाऊद ने कहते हैं ना सुबह सुबह कैसी दुआ करते होंगे हा? होता है ना कि बाइबल में लिखा होगा सुबह वाली दुआ कौन सी होगी अक्सर लोगों का माइंड होता है ज़रा कोई पर्ची दे दो तो सुबह वाली दुआ लिखी हो सुबह की दुआ करिए सो so, दाऊद ने सिर्फ मजमून बताया तो मुझे जो मोहब्बत करने वाले हो, तो उन्हें सिर्फ मजमून ही चाहिए होता है आशिकों को अगली बात तो वो खुद लिख लेते हैं ना हाँ जो आशिक नहीं होता वो पढ़ी पढ़ाई बात करता है लेकिन जो आशिक होता है वो पर्ची वाला नहीं होता उसके पास वो खुद से बोलना आशिक को जुबान नहीं होती उसे ज़ुबान लग जाती है मैं जब ये वाले आशिक की बात नहीं कर रहा ये वाले आशिक तो मर जाते हैं जब गोली लगती है लेकिन यस्सु वाले आशिक कबर में भी जाके जी उठते हैं वो वाले आशिक ये वाले आशिक नकली हैं, दो नंबर लिखा है कि ये सुबह को जो इबादत होगी वो उसकी शफकत का इजहार की होगी हमें जब हम सुबह सुबह उठेंगे तो हम क्या करेंगे उसकी शफकत का इजहार करेंगे उसने कैसे शफकत की कहाँ कहां उसने अपना भलाई वाला हाथ हमारी जिंदगी में बढ़ाया कई मरत लोग ऐसे होते हैं वो सोते हैं और लंबी नींद सो जाते हैं लेकिन जब हम सुबह उठेंगे तो कंप्लेन नहीं करेंगे कमेटी नहीं दीती गई किराया रह गया बिल रह गया फलानी चीज नहीं होती जुत्ती टूटी है मोची तो चढ़ा लो फलानी ज़... ना सुबह को सारे ही उठेंगे और जो जो उठेगा बेटी उठेगी बेटा उठेगा बहू उठेगी और बाप उठेगा माँ उठेगी जो भी उठेगा उसके मुंह में से एक ही राग निकलेगी खुदा मुशफ़ी खुदा है उसने शफकत की है उसका नाम अब दी है उसने बचा लिया है उसने मुआवज़ा किया है उसने हमें ज़िंदगी दी है और दाऊद कहता है अगर ऐसी ज़िंदगी होगी तो फिर आपके घर में खाली नाम के सुलेमान नहीं पैदा होंगे असली सुलेमान पैदा होंगे जिनको वहां की मलका देखने आएगी जिन के पास हुकूमत होगी और खुदा उनसे खुदा के पूछेगा कि बता मैं तुझे क्या दूं और वो जो मांगेगा मैं उसके लिए कर दूंगा लेकिन सुबह के लिए हमारी इबादत क्या होगी अब ढूंढे शफकत का क्या मतलब है कहां, कहां उसके शफकत की हम तारीफें कर सकते हैं सुबह के वक्त जब हम इबादत करते हैं हम उसकी शफकत का इजहार करते हैं क्या करना जी मॉर्निंग प्रेयर क्या सिस्टर रुबीना गुल के घर शफकत का इजहार किस शफकत का एक पास्टर शफकत भी थे ओ हो वाले नहीं खुदा की शफकत का इजहार करेंगे या सुबह सवेरे क्या करेंगे नाश्ता नहीं मिलेगा आलू का पराठा बैंगन का पराठा नहीं मिलेगा जब तक आपका बच्चा टेबल पर बैठकर खाने की मेज़ पर बैठकर खुदा की शफकत का इजहार नहीं करेगा सुबह सवेरे हम क्या करेंगे खुदा की शफकत का इजहार करेंगे और जैसे ही रात होगी तो फिर हम कौन सी राग लगाएंगे उसकी वफ़ादारी की आमेन। रात को सोने से पहले उसकी वफादारी को याद करेंगे तो फिर दाऊद की कितनी उम्र थी सत्तर साल थी एंड रिमेंबर खुदावंद की वफादारी क्या है कैसे हमने उसकी वफादारी का शुक्र अदा करना रात में कि जो कुछ उसने हमारे लिए किया है वी मस्ट प्रेज हिम हम बड़े ना शुक्र हैं अगर हम रात को सोने से पहले दिन की वफादारी की खुदा की बात नहीं करते ये फिर हमारे लिए भलाई नहीं होगी दाऊद कितनी लंबी उम्र उसने क्या है दिन गिनना सिखा एस्टिमेट कर हम सब अपना हिसाब लगाएंगे क्या हमने कितने सालों में किया है कितने साल रह गए हम नया साल में मिल रहा हमने क्या कर रहा है हम करारदार पेश करेंगे हमारा चर्च मनारे पाकिस्तान बन जाएगा ह हाँ समझ रहे हैं हम बताएंगे एवरी डे हमारा काउंटेबल होना चाहिए ये ऐसे नहीं है सुबह रोटी खाए रात को फिर रोटी खाए दोपहर को क्या रोटी खाई फिर पानी पिए फिर सो गए नो वी डन समथिंग खुदाम के लिए फिर हम उसे देखें कि वो कैसा वफादार है ढूंढे वो वाकई उसने वफादारी की भी है कि नहीं आपके गिरने लगे थे बचाया आप भूखे थे उसने खिलाया आप जिस चीज के हकदार नहीं थे उसने वो आपको दी उसने आपकी इज्जत बचाई फिर ही तो वह सच्चा है ना मैं घर में गया तो बहुत खराब मामला थे तो वहाँ पर कुछ अजीब गरीब कहानियाँ थी बाप भी छोड़ के चला गया बीवी भी छोड़ के चली गई और हालात भी और एक बेटी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई बेटा अपना काम करना शुरू हो गया और तिन का तिनका घर हुआ हुआ था और वो कहने लगे हम इतने सालों से इबादत कर रहे हैं कहा आप किसकी दीवार की इबादत कर रहे हो हाँ के पास गवाही क्यों नहीं आप हर रात जो खुदावन यसू के करीब है वो तो हर रात उसके पास सोने से पहले एक गवाही होती है एक वफादारी होती काम सो में एक होती है उसके पास कुछ ना कुछ मेरिकली होता है उसकी ज़िंदगी तजर्बों में से गुजरती होती है तो मैंने कहा आप कैसी लाइफ में से गुजर रहे हैं सो दिस इज़ द टाइम कि हम रात को सोने से पहले उसकी वफ़ादारी को याद करें हम मेन वफादारी को याद करें और एक काम और करना रात को सोने से पहले अपनी जो रूह है वो खुदावन के हाथ में दे देना वफादारी ये भी है आए बाप में अपनी रूह ये जबूर इकत्तीस है यहूदी हर रात पढ़ के सोते हैं क्योंकि वो अपनी रूह के बारे में बहुत कॉन्शियस है बहुत अटेंशन वो अपनी रूह के बारे में वो रूह पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते उन्हें पता है बदन जो है वो कहाँ चला जाएगा मिट्टी में तो रूह है ये खुदा के पास जानी चाहिए क्योंकि ये उसकी है क्योंकि शतान इसे खींचना चाहता है जहन्नम में ले जाना चाहता है तो जब खुदा के आदमी रूह है तो खुदा फरदोस में है खुदा आसमान पर है तो फिर हमारी रूबी उसके पास रहेगी सो रात में उसकी क्या करनी है वफादारी अमीन और फिर एक काम और कर रहे हैं हम लोगों ने यह किया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ तालियां ही बजाते हैं चर्च में जब भी आते हैं खुशी का इजहार होता है ना आपके पास एक बैग होना चाहिए शोल्डर के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है नाल दे वाले पता ना लगे गिरझे जा रहे हैं बाइबल की पढ़नी है नहीं मोबाइल ही इलेक्ट्रॉनिक वेख लेंगे कडनी कुडनी तो आँगी नहीं वाह वाह नो नॉलिश किए नहीं तो एवं लगे जिमें जॉब त जा रहे प्लीज डोंट डू इट हम खुदावन के पास जा रहे हैं <laughs> हमारे चेहरे बताते हो हम यस्सू के पास से आए हैं वो मूसा मिल के जब आया है तो वो ये नहीं बता रहा था नहीं मेरे तो नहीं मेरा मेकअप तो खराब नहीं हुआ मैं कंपनी से आया उसने वो कपड़ा ही नहीं उतार पा रहा था लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे पूरे नवाहों में गिर्द गिर्द खबर फैल गई कि मूसा को अब कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो खुदा को देखाया है अमेन वो खुदावन को देखाया है उसने खुदा देख लिया है और अब उसके अंदर से खुदा का लशकारा कोई नहीं देख पा रहा है तो हमारे पास झांझ है हमारे पास खंजरियां हैं अब तो इतने ज्यादा हथियार कम से कम बारह हजार साज जो है वो उसमें बचते थे खेमा इज्तम में तो इतने साज हैं हम वो छोटे छोटे मुक्त सर ला सकते हैं कि हम खुदा के लिए शुक्र गुजारी करें उसकी फरिश्ता जो है ना वो खाली नहीं आता लूसीफर था न, करता था। तो आपको पता है, वो खाली नहीं था वो जब चलता भी था तो आवाज आती थी वो पर भी हिलाता था तो सांस बजता था तो ये ना हो जब ताली बजाय तो तब भी झांझ निकले वेन द डेवड वॉज डांसिंग ही जस्ट अपलाई डेट और वो खुदावन ने मधु होकर उसकी परस्तिश करता था और उसे मनाता था वो खुदावन का ऐसा आशिक था जो प्रस्तिश से उसे मना लेता था वो खुदावन को ही मनाता था फिर देखो उसके जरिए उसने कितने कितने बड़े काम किए मूसा के जरिए उसने कितने बड़े बड़े काम किए सो खुदावन के हाथ में खाली हाथ ना आए खाली हाथ ना अब आप सोचते होंगे पैसे लाए नहीं कुछ ना कुछ उसके लिए सर्व करने के लिए बजाने के लिए गाने के लिए सो दिस इज द रेयर रिवाइवल जब हमारी जिंदगी में आता है हम परस्तार भी होते हैं हम दुआया जंगजू भी होते हैं हम कलाम सुनाने वाले भी होते हैं हम फतेह याब भी होते हैं फिर हमारी ज़िंदगी में से बड़े बड़े काम होंगे अ मेन सो डोंट बी फील बैड अपने आप को अजीब महसूस ना करें ऐसा महसूस ना करें कि भाई मैं तो बड़ा पाइया। दरअसल आप जितने भी मर्द बने लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि आप जिसम में तो मर्द हैं लेकिन दर हकीकत कलीसिया में आपकी हैसियत एक दुल्हन की है क्योंकि यसुमसी हमारा दुल्हा है कई कई भाई ताली नहीं बजाते उन्होंने शर्म आंदी तो ताली बजाई रे मेहन भाई या उनको कौन ना गीत गाओ हसी नहीं गांदे ला, राग ला ला कैसी क्यों गाई ना या कोई है तेमरासी गांधे ने ना ये उन्होंने कॉपी किया है लेकिन हकीकत ये खुदामंद के साज और आवाज है जो उसकी और मदासराई के लिए गाई जाती है आमीन आमीन सो जिसको शर्म नहीं आती वो जोरदार यस्सु के लिए थालियाँ ये दस्तार वाला हाथ है तो so, यहाँ पर यह जो दस्तार वाला साज है ये रेल में भी एक साज है और हाथ भी हमारे इसमें शामिल है फिर लिखा है दस्तार वाले साज और बरबत पर और सतार पर गूंजती आवाज़ के साथ अभी दाऊद ने एक जबूर भी लिखा है ते बीन जागे मैं जागांगा सवेरे मेन और बीन भी मैं जागूंगा प्रस्तिश की चीजें भी बजना शुरू हो जाएंगी आमेन मेरे जागते ही खुदावन की प्रस्तिश होगी उसकी मदद सराई होगी क्योंकि खुदावन तूने मुझे अपने काम से कौन कौन खुदा के काम से खुश नहीं हुआ सब हुए हैं ना तो जब हम वह खुदावंद आपके मुस्कुराते चेहरों को देख रहे हैं तो उसको इजहार करते हुए तालियां बजाते हुए कहें कि मैं तुसे खुश हूं तूने मेरे लिए काम किया हम गीत गाएंगे मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है मेरी रूह मुनज्जी की सत्या आपके पास चलें जैसा भी जितना भी आता गाएं और हम खुदावंद की सताइश करेंगे तारीफ करेंगे मेन यू आर वॉचिंग सिटी एन टेलीविजन ऑफ पाकिस्तान कैच द नेश